लेटेस्ट न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। HS न्यूज के कार्यक्रम सैर सपाटा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ वाराणसी की सैर पर। यहीं से शुरू हुई जिंदगी, यहीं मोक्ष पाना है, ये शिव की काशी है। अब और कहाँ जाना है। पहाड़ों से लेकर बीच तक, शहर की लंबी इमारतों से लेकर महंगे शॉपिंग मॉल तक, आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन बनारस के रंग कुछ और ही है। यहाँ शाम गंगा घाट पर गुजरती है तो सुबह गर्मा गर्म जलेबियों की महक से होती है। ये सिर्फ शहर नहीं, काशी विश्वनाथ का घर है। इस शहर के जितने रंग उतने नाम। अब इसे आप वाराणसी कहें, बनारस कहें या काशी, वैसे आस्था के रंग में ही नहीं, क्रांति के रंग से भी रंगा है बनारस। यहाँ के काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया। 84 घाट होने के चलते इसे घाटों का शहर भी कहा जाता है। चलिए एक एक कर मैं आपको लेकर चलती हूँ वाराणसी के पर्यटक स्थलों की सैर पर। काशी, जहाँ कई मंदिर और अखाड़े मौजूद हैं। इस घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। आइए अब मेरे साथ मणिकर्णिका घाट पर। ये वाराणसी का सबसे पुराना घाट है। इस घाट के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को अकेला छोड़कर यहाँ काफी समय बिताया था। इसे सबसे पुराना शमशान भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ 5000 साल से चिताएं जलती रहती हैं। जहाँ 5 नदियों गंगा, सरस्वती, धूपा पापा, यमुना और किरणा का मिलन होता है, उसे कहते हैं पंचगंगा घाट। घाटों के बाद चलते हैं यहाँ के मंदिरों की यात्रा पर। वाराणसी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, तो आप भी चलिए मेरे साथ मंदिरों के दर्शन करने। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ वाराणसी के फेमस काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी श्रद्धालु वाराणसी जाता है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर में भोले बाबा का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचता है। अब चलते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित जैन मंदिर, जो BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब हम बनारस में हैं, तो वाराणसी के फेमस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कैसे भूल सकते हैं। इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ये विश्वविद्यालय 1300 से ज्यादा एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पूरे वर्ल्ड के 34 देशों के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। अरे भाई, अध्यात्म और शिक्षा की बात हुई तो संगीत का जिक्र भला कैसे छूट सकता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ के सबसे मशहूर घराना, बनारस घराना। ये घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। इसे गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए जाना जाता है। बनारस घराने के नाम पर मशहूर डांस गुरु सितारा देवी के बाद उनकी बेटी कथक क्वीन जयंती माला ने इसके वैभव और छवि को बरकरार रखा है। बनारस की गलियों में घूमने का एक अलग मजा है। यहाँ की हर गली अपना एक अलग इतिहास लिए हुए है। वाराणसी व्यापार के नजरिए से भी एक अहम शहर है। खास तौर से यहाँ की बनारसी साड़ियाँ वर्ल्ड फेमस हैं। देश में शायद ही कोई शादी ऐसी हो जो बनारसी साड़ी के बिना पूरी होती हो। यहाँ मशीन और हस्तशिल्प से बनी हर तरह की साड़ियाँ मिलती हैं। बनारसी साड़ियाँ त्योहारों और किसी खास मौके पर आज भी भारतीय महिलाओं की पहली पसंद है। अब बात अगर यहाँ पर चाय की चर्चा की जाए, तो यहाँ का हर आदमी खुद को पंडित यानी ज्ञानी समझता है।
जहां आप खड़े हो जाएं वहीं पर शुरू हो जाती है चाय पर चर्चा। यहां का हर आदमी देश की राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तक पर चर्चा कर सकता है, और वो भी अगर अपनी भाषा में हो तो क्या ही कहना। जो भी काम कर रहे हैं विकास की राजनीति करते हैं, जैसा उन्होंने कहा है वैसा किया है। अरे विकास किया मोदी, क्या चीज नहीं की यही बताइए। अगर प्रियंका गांधी यहाँ पर मैदान में होती तो मुकाबला ज्यादा दिलचस्प होता। नहीं ऐसा बात तो नहीं है, जहाँ यहाँ पर कोई भी आता बनारस के लिए कुछ उनका बिगड़ नहीं पाता, मोदी जी का कुछ भी बिगड़ नहीं सकता है। मुलायम सिंह यादव ने उद्घाटन किया था रामनगर पुल, बरुआ पुल, उसके बाद उनके लड़के मुख्यमंत्री बने, वो नहीं बनवा पाए, लेकिन मोदी जी आए, योगी जी आए तो वो पुल चालू हो गया। पूरा दिन घूमने के बाद भूख तो अब बहुत जोर से लगी होगी। भाई मुझे तो बहुत जोर से लगी है, चलिए पहले कुछ खा लिया जाए। यहाँ की मिठाइयों से लेकर चाट पकौड़ी तक बहुत फेमस है। जलेबी और कचौड़ी सब्जी से आप यहाँ सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ का काशी चाट भंडार चाट के लिए मशहूर है। अरे भाई खाने की बात की है तो यहाँ का पान कैसे भूल सकते हैं, जो दुनिया में मशहूर है। दुनिया को छोड़िए, महानायक अमिताभ बच्चन बनारसी पान के कितने दीवाने हैं ये तो आपने डॉन फिल्म में देखा ही होगा। चलिए खाना पीना और घूमना फिरना तो खूब हो गया, अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। अब बताती हूँ यहाँ के होटल्स के बारे में, जहाँ ठहर कर आप अपनी थकान दूर कर सकते हैं। यहाँ आपके रुकने के लिए हर तरह के होटल्स मौजूद हैं, 5-स्टार होटल से लेकर बजट होटल्स तक, और साथ ही कई धर्मशालाएं भी मौजूद हैं। लेकिन अब आपको ये सवाल परेशान कर रहा होगा कि वाराणसी पहुँचा कैसे जाए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन भी लेकर आई हूँ। अगर आप हवाई जहाज से वाराणसी जाने का प्लान कर रहे हैं तो देश के किसी भी शहर से वाराणसी के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के कई शहरों से रेल माध्यम के जरिए जुड़ा हुआ है। आपको दिल्ली और आसपास के शहरों से बस भी आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों ये थी वाराणसी की सैर। अगले हफ्ते हम फिर आपके साथ चलेंगे एक नई जगह की सैर पर। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के जरिए सुझाव दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल HS News को सब्सक्राइब करें। HS News, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।